नीतीश जी का जो कहना था कि हम विकास बहुत अच्छी कर रहे हैं, विकास ये कर रहे हैं कि सारे आदमी को बिहार से भगा करके ये यूपी में ला के छोड़ दिया, यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ और भी कोई शहरों में, बस यहीं पे आकर के विकास। क्या रोजगार है बिहार में, है कोई रोजगार बताओ? 19 लाख। हाँ 19 लाख रोजगार कहाँ है, कहाँ देख रहे हैं हम, कहीं पे भी कुछ तो है ही नहीं। इतना दिन से नीतीश कुमार को वोट देते आए हैं लोग और बिहार के लोग देखिए कौन हाल में जी रहे हैं, नर की जिंदगी काट रहे हैं हम लोग। और यहाँ क्या है, घर परिवार छोड़ करके यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ तो दिन काटने वाली बात है। घर परिवार छोड़ के यहाँ आएंगे तो क्या जीवन का, बाल बच्चा है ना? हाँ सब है। एक बाल बच्चा, दो को लड़का एक लड़की है, सब वही गाँव में। अब गाँव में आप लोग तो वहाँ ओवैसी जी को इस बार वोट दिए? हाँ इस बार तो हम लोग ओवैसी को वोट दिए हैं। क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं, क्या फायदा हुआ, बड़ा मुश्किल है जी, चार आदमी इसमें तो सोने के अलावा कुछ और तो हिल डोल नहीं सकते, नहीं डोल सकते, बस केवल घोंसले में घुस जाओ, बस पढ़ दो। पहाड़ पे भी जाना पड़ता है, जहाँ काम होगा हम लोग वहाँ पे चले जाते चले जाएंगे, जो काम के लिए पहाड़ पे भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, लेकिन बिहार में नहीं जाएंगे। देहरादून में हम हैं, उत्तराखंड में, यहाँ पर तीन लोग बैठे हुए हैं। पहले जानेंगे कि तीनों का नाम क्या है और जगह जानते हैं कि कौन सा है। नाम क्या भैया? AMD फारूक आजम। फारूक आजम, आपका भैया? मोहम्मद जुबेर आलम। जुबेर आलम, आपका सर? मोहम्मद मंसूर आलम। मंसूर आलम, ये आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं और ये जगह कौन सी? ये भानिया वाला है, देहरादून में। आप लोग रहने वाले यहीं के? नहीं किसान, हम लोग बिहार के हैं। बिहार के हैं, आप भी बिहार के? हम भी। आप भी? हम भी। सब लोग किशनगंज के? हम अररिया के। आप अररिया के हैं, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? मकान का चिनाई हुआ, ईंट पत्थर, इसी यही सब काम करते हैं। आप भी वही करते हैं? हाँ, हम भी वही। आप लोग कितने लोग यहाँ? करीब है हम लोग यहाँ पे है आदमी कम से कम 100-150 आदमी है। सब बिहार के लोग? हाँ बिहार के। आप लोग इलाके तो कितना रोजगार के इसमें मिलता है? अपने दिहाड़ी जैसे 600-700 रोज। हाँ रोज काम रोज मिल जाता है आप लोग? काम रोज मिल जाता है, रोज मिल जाता है। हाँ रोज ही जैसे काम ले लिए ठीका तो काम डेली ये काम होता है, बारिश वगैरह से। आप भी बिहार से? भैया हाँ जी भैया बिहार से, बिहार में सीमांचल से, अररिया जिला से। तो आप लोग को यहाँ रोजगार रोज मिल जाता है काम? रोजगार रोज नहीं मिलता है, करीब बारिश हो गया तो छुट्टी हो गई। वही तो देख ले आप चारों लोग यहाँ बैठे आज काम, बारिश में काम नहीं, इसमें काम नहीं हो रहा है। मेन काम कहाँ कहाँ आप लोग करते हैं मुख्य रूप से, किन शहर? देहरादून, देहरादून, श्रीनगर, अब जहाँ काम मिला जहाँ पे। अच्छा बिहार में रोजगार आप लोगों को नहीं मिलता है? नहीं रोजगार जब मिलता तो फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। बिहार में क्या रोजगार, नीतीश कुमार इतना साल से मुख्यमंत्री, वो तो अपने खेती के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो खेती में क्या होते हैं, खेती में कुछ होते हैं? खेती अगर होता तो फिर यहाँ हम लोग क्यों आते हैं? ऐसे रहते हैं, बैचलर टाइप में रहते हैं जी, बैचलर टाइप रहते हैं, अपने बनाते हैं अपने। हाँ अपने बनाते हैं। जीवन का आनंद असली ले पा रहे हैं कि नहीं? काम बस बस वही है, दुख मुसीबत घर। हाँ क्या बोले भैया? घर परिवार छोड़ के यहाँ आएंगे तो क्या जीवन का, बाल बच्चा है ना? हाँ सब है। एक बाल बच्चा, दो को लड़का एक लड़की है, सब वही गांव में? सब गांव में है। गांव घर परिवार छोड़ के हमारे मालिक साहब हैं यहाँ के, यहाँ के मकान वाले। हाँ हाँ आप यहीं के रहने वाले सर? तो हमारे बिहार के लोग यहाँ पर काम करते हैं, आप यहाँ रहते हैं? हाँ रहते हैं, इसीलिए हम इन लोग से देखे भाई कि हम तो आए थे चुनाव का ये हाल जानने, पता चला कि ये लोग बिहार से हैं, तो इन लोग को बढ़िया से रखते हैं ना आप लोग? पता कर लो वो तो वो बताएंगे वो तो वो बताएंगे तो बता रहे हैं कि बढ़िया से रहते हैं यहाँ बिहार में, तो रोजगार नहीं है इसलिए। कितना किराया लेते हैं इन लोग से पर हेड? वो बता देंगे, आप ही बताइए। 2000 रुपये कमरा। 2000 रुपये कमरे का? एक कमरे में कितने लोग रहते हैं? चार। चार लोग यानी 500 रुपये कमरे। ऐसा कमरा दिखाइएगा जरा सा, हाँ देख लें कैसे कमरे में आप लोग रहते हैं। अच्छा अरे इस तरह का कमरा है, इसमें चार लोग रहते हैं। आइए जी कमरा दिखाइए इनका, इसमें चार लोग रहते हैं, चार आदमी रहते हैं। आइए यहीं पे खाना बनाते हैं गैस पे, बड़ा मुश्किल है जी चार आदमी इसमें तो सोने के अलावा कुछ और तो हिल डोल नहीं सकते, नहीं डोल सकते, बस केवल घोंसले में घुस जाओ, बस पड़ दो घोंसला। बैठे बैठ जाओ, बैठ जाइए। इस घोंसले में रहते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे इधर घूम के खा लेते होंगे, इधर बना लेते हैं। बस पैर के पीछे बैठ के खा लो, बना लो, फिर यहीं सो जाओ। आलू प्याज टमाटर जी, कौन जीवन है एक जीवन, क्या जीवन है ये, एक तरह से समझ लो कि बस नरक ही है ये, तो नरक की जिंदगी काट रहे हम लोग। और यहाँ क्या है,
घर परिवार छोड़ करके यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ तो दिन काटने वाली बात है, कट रहा है समय किसी सूरत से। यहाँ बिहार में चुनाव था तो भाजपा वाले बोल रहे थे 19 लाख रोजगार दिया जाएगा। कहाँ रोजगार है बिहार में? आप लोग घूम रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे क्या रोजगार है बिहार में, है कोई रोजगार बताओ? 19 लाख। हाँ 19 लाख रोजगार कहाँ है, कहाँ देख रहे हैं हम, कहीं पे भी कुछ तो है ही नहीं। इतना दिन से नीतीश कुमार को वोट देते आए हैं लोग, और बिहार के लोग देखिए कौन हाल में जी रहे हैं, हाल में जी रहे हैं। यहाँ पे सामने है, जो भी है देख ही रहो, यहाँ पे घूमिए सर्वे कीजिए यहाँ का, ठीक है। आप लोग तो वहाँ ओवैसी जी को इस बार वोट दिए? हाँ इस बार तो हम लोग ओवैसी को वोट दिए हैं। क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं, क्या फायदा हुआ, ओवैसी अकेले क्या कर सकता है। कई सीट तो लाया था, 40 सीट तो लाया, 5 सीट लाया वहाँ से, तो क्या कर लेंगे 5 सीट में वहाँ। तो ये जिंदगी है बिहार के मजदूरों की यहाँ पर, ये घर का काम कंस्ट्रक्शन वाला काम में आप लोग बिल्डिंग लाइन में हम लोग मजदूरी, मिस्त्री भी होंगे, मजदूर भी होंगे, मजदूर है मिस्त्री और है क्या, यहाँ पे कोई सर्विस थोड़ी है। पहाड़ पर भी जा काम करते हैं? जी जी पहाड़ पे भी जाना पड़ता है, जहाँ काम होगा हम लोग वहाँ पे चले जाते चले जाएंगे। जो काम के लिए पहाड़ पे भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, लेकिन बिहार में नहीं जाएंगे। बिहार में तो काम ही नहीं, तो घर है तो जाना तो पड़ेगा काम के लिए, कि काम के लिए क्या जाएंगे वहाँ से, अगर काम होता तो हम लोग बिहार से यहाँ थोड़ी आते उत्तराखंड में। तो बिहार से निकल के जंगल पहाड़ कहीं भी जाएंगे काम करेंगे, लेकिन बिहार में काम नहीं है। नीतीश कुमार की इतनी लंबी सरकार हो गई 16-17 साल वाली, फिर भी बिहार के लोग बाहर मजदूरी करते हैं और इस हाल में रहते हैं, एक कमरे में 4 लोग, और यही है बिहार का विकास, नीतीश जी का सुशासन। आइए इधर आके बोलिए, ये बात क्या बोल रहे भैया, इधर आइए, इधर लाइट में आइए, लाइट में आइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं नीतीश जी को। हाँ क्या, हाँ इधर इधर इधर, क्या 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 बोलिए क्या, कि नीतीश जी का जो कहना था कि हम विकास बहुत अच्छी कर रहे हैं, विकास ये कर रहे हैं कि सारे आदमी को बिहार से भगा करके ये यूपी में लाके छोड़ दिया, यूपी हुआ उत्तराखंड हुआ और भी कोई शहरों में, बस यहीं पे आकर के ये विकास किया है, बाकी और विकास है कि बिहार के मजदूर एक कमरे में 4 लोग रहते हैं उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, और कहाँ दिल्ली है देहरादून सब जगह। तो ये देहरादून में दिखा दिए कि बिहार के मजदूर किस तरह से रहते हैं, और एक कमरे में कैसे रहते हैं 4 लोग, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, फेसबुक वीडियो देख रहे हैं पसंद आया शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं हमारे तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम जय भारत।